हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों, फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि कल वाले वीडियो में हम लोगों ने सेबी द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से हम लोगों ने को क्या पता चला था और उसमें हम लोगों ने क्या जानकारी ली है, उसको मैंने सब कुछ कल वाले वीडियो में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया था। यानी कि सेबी ने जो कुछ बताया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक कंडीशन रखा था कि जिससे पता चल जाए कि सेबी ने जो हम लोगों के साथ किया है वो बात सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि जिन निवेशकों का भुगतान आ चुका है वे लोग कमेंट बॉक्स में यस बोलें और जिन निवेशकों का भुगतान नहीं आया है वे लोग नो बोलें। तो दोस्तों, ज़्यादातर हमारे पास जो कमेंट्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर हमारे वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसलिए आए हैं कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको पेमेंट नहीं आया है, यानी कि नो। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमको इसी टॉपिक पर देखने को मिला है कि सर, हमारा पैसा भी नहीं आया है, हमारा पैसा कब आएगा, क्या हम लोगों को पैसा मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, यही बात सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके ये भी पूछा है कि सर, जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को कैसे सुधारें, या फिर वो वेबसाइट फिर से ऑन होगा या फिर वेबसाइट ऑन नहीं होगी। जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए उस वेबसाइट को फिर से चालू किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि जिन निवेशकों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है वे लोग चिंता ना करें, उन लोगों का भी भुगतान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिंताजनक बात बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि PSN निवेशकों का जो भुगतान है वो अभी तक कर नहीं रहे हैं बराबर, और किसी का कर भी रहे हैं तो उसको इतना कम पैसा देते हैं कि वो उतने में संतुष्ट भी नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इतना पैसा कम क्यों दिया जा रहा है, जितना पैसा हमने जमा किया है लगभग उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, ब्याज भले ही ना दें। तो सेबी यहाँ पर क्या कर रही है, चोरी कर रही है, पूरी तरह से पैसे निवेशकों का पैसा को चुरा रही है। यहाँ पर यही साबित हो रहा है कि वो पैसे निवेशकों को पैसा देना नहीं चाहती, या फिर उसको अकेले ही हजम कर जाना चाहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर सेबी पैसे निवेशकों का पैसा देना चाहती तो वो वेबसाइट को ऑन करे, वेबसाइट पे फिर वो सारी सुविधाओं को लॉन्च करें जो PSN निवेशकों को सुविधाजनक हो, आवेदन करने में आसानी हो, जिससे कि PSN निवेशक अपना आवेदन कर सके और अपना पैसा ले सके। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती से भी यहाँ पर कर रही है कि वो बोल रही है कि इतने निवेशकों का भुगतान नहीं होगा, जो भी हो उन्होंने बताया है कि इतने निवेश को भुगतान नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ये गलतियाँ की है। तो भाई, जिन निवेशकों ने गलतियाँ की है आप उनको पर्सनल मैसेज करिए, आप उनको ये बताइए कि भाई आपने ये गलती की है, कृपया आप अपना आवेदन फिर से कराएं, उस वेबसाइट को भी आप चालू करिए जिससे कि वे PSN निवेशक अपना आवेदन फिर से करें जिन निवेशकों ने गलती की है। अब आप ऐसे बोल देते हैं कि इतने निवेशकों ने गलती की है, ये लोग का भुगतान नहीं होगा, तो भाई कौन जानेगा कैसे कि हमने आवेदन करते समय गलती की है। उन गलतियों को सुधारने के लिए भी आपको मौका देना होगा, जब तक मौका देंगे नहीं तब तक वो गलतियां कैसे सुधारी जाएंगी। आप उस पोर्टल को भी ऑन करिए, उस वेबसाइट को चालू करिए जिससे कि सभी निवेशक अपना भुगतान करने के लिए या भी भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकें। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है
कि सर जो मैंने गलतियाँ की है उनको सुधारे कैसे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात और खड़ी हो जाती है कि वेबसाइट तो ऑन है ही नहीं और वेबसाइट ऑन होने का अभी तक कोई सूचना भी नहीं मिल पा रही है, तो कैसे हम लोग कंफर्म करें कि इससे भी हम लोगों को पैसा देना चाहती है। अगर से भी पैसा देना चाहती है तो वो उस वेबसाइट पोर्टल को ऑन करे जिससे कि हम लोग अपना आवेदन करें। अगर से भी अपना से भी अगर चोर नहीं है तो वो वेबसाइट को ऑन करेगी, अगर से भी चोर है तो वो वेबसाइट को ऑन नहीं करेगी, या फिर और उसको तो ऑन करना ही होगा। ऐसा नहीं कि उसको वेबसाइट नहीं ऑन करना, उसको पैसा भी देना है, पैसा उसको देना पड़ेगा क्योंकि पल्स निवेशकों का पैसा इतनी आसानी से खा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बात आ गई है कि हम अपनी कमियों को दूर कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक जल्दी से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिसके थ्रू आप लोग अपना आवेदन जो पोर्टल है इसको वेबसाइट को ऑन कराया जा सके। अभी मैं उस पर थोड़ा जांच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो बात सही है कि नहीं। अगर वहाँ से हम लोगों की बात बनती है तो मैं आप लोगों को जल्दी ही जल्दी वो सूचना दूंगा जिससे कि वो पोर्टल का ऑन कराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल टाइप का भी काम करता हूँ ना दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को अगर उस टाइप का थोड़ा रहा और उससे काम बन जाता है तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा कि आप लोग भी वो काम करें जिससे कि वो पोर्टल ऑन हो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर पोर्टल ऑन कराने की बात हुई है तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं। बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके ये भी पूछा है कि सर जिन निवेशकों का बॉन्ड कंपनी में पहले जमा है वे लोग आवेदन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों जिन निवेशकों के पास बॉन्ड कंपनी में जमा है या फिर उनका खो गया है तो ये सब प्रक्रियाएं तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि जो पोर्टल ऑन होगा उस पोर्टल के अनुसार ही ये सारी सुविधाएं होंगी क्योंकि उसमें क्या मांगा जा रहा है क्या नहीं मांगा जा रहा है। पिछले आवेदन जब हो रहे थे उस आवेदन में तो बॉन्ड को कंपलसरी माना गया था, बॉन्ड और रसीदे सभी को, तो हो सकता है उसी प्रकार फिर से आवेदन किया जाए या फिर उसी प्रकार फिर से करवाएं। अगर उसी प्रकार कराया जा रहा है या फिर उसी पोर्टल को फिर से ऑन किया जा रहा है और अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही मांग रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपको उस बॉन्ड को कंपलसरी है कि आपको सबमिट करना होगा और उससे सारी रसीदें जुड़ी जो होती हैं जो उसी संख्या में जो उसी किस्त की होती हैं उन सभी रसीदों को भी लगाना अनिवार्य है जिससे कि से भी आपको पूरा पैसा दे दे, आपका पैसा खाए ना। इसलिए मैं आप लोगों को जिन दोस्तों के पास ये प्रॉब्लम है ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि सर हमारा बॉन्ड मेरे पास नहीं है, ऑफिस में जमा हो गया है या फिर खो गया है, तो उन सभी निवेशकों के लिए यही सोचना है कि वे अपने बॉन्ड को किसी प्रकार ढूंढें और किसी भी प्रकार से उसको वहाँ पर सबमिट कराएंगे। लेकिन अभी अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी पोर्टल ऑन भी नहीं हो रहा है, जो हो सकता है जल्द ही वो पोर्टल ऑन भी हो जाए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिन जिन निवेशकों का बॉन्ड और रसीदें खो गई हैं तो वे लोग सभी लोग अपनी बॉन्ड और रसीदें को ढूंढ कर रख लें क्योंकि वो पोर्टल जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि सेबी ने 3 दिसंबर को जो इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने उसमें बताया भी है कि हो सकता है कि वो उस पोर्टल को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा जिससे कि वे सभी निवेशक उसमें अपना भुगतान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी सूचना जो मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक्स पर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अगर बहुत पसंद है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर निवेशक के पास ये वीडियो पहुँच जाए और हर वीडियो इस हमारे द्वारा जो बनाई भी जाती है
वो उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि हर वीडियो में एक नया जानकारी होता है। क्योंकि हमेशा आप लोग कमेंट करके जो बात पूछते हो, वो कमेंट में आप लोग जो पूछते हो वो मैं जानकारी किसी न किसी वीडियो में दे चुका रहता हूँ, आप लोग वही जानकारी मुझसे फिर पूछते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग कमेंट तो करिए ही एक बार, उस हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को एक बार देख लिया कर दीजिए, क्योंकि उसमें सारी आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा, हर निवेशक के पास जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि जानकारी आप लोगों के तक सीमित नहीं रहना चाहिए और बहुत से निवेशकों के पास पहुंच जाए। थैंक यू आप सभी का हमारे इस वीडियो पर आने के लिए और हमारे चैनल पे अधिक से अधिक टाइम देने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स आप सभी का।